आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना Amazon ब्यूटी हॉल, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट हियर इज दिस, ये है स्विस ब्यूटी का बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर। लाइक आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम बट आई फाइनली गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे शेड बाय किया ना दैट इज 02। इसमें और शेड्स भी आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या शेड्स चाहिए, लाइक गोल्डनी ब्रॉन्जी। तो मैंने ना यहाँ पे 02 जो था ना इसमें थोड़ा पिंक और पीची सॉर्ट ऑफ कलर थे, तो मुझे बहुत ही ज्यादा ना अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए मैंने ये वाला बाय कर लिया। लाइक एज यू कैन टेक अ लुक, यहाँ पे आपको चार कलर्स मिल जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ ब्लशर एंड हाईलाइटर, लाइक आप इसको एज अ ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट हैज पिंक कलर्स इन इट। एंड क्योंकि ये एक हाईलाइटर भी है तो आपको सेपरेटली हाईलाइटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फेस पे ना ऑलरेडी आपको शीन देखने को मिल जाएगी। तो ना मैं इसमें आपको जो चार शेड्स मिलते हैं ना चारों के सेपरेट स्वॉचेस दिखा देती हूँ कि किस तरीके के कलर्स हैं। दिस इज हाउ दिट लुक्स लाइक, आप देख सकते हो चारों कलर्स ने एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है एंड अगर आप इसको मिक्स एंड मैच करके लगाओगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर बन जाएगा। एंड आई फील लाइक इट्स काइंड ऑफ अ 3-in-1 बिकॉज आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपने अपना क्रीज कलर वगैरह अच्छे से अप्लाई कर लिया तो आप इसमें से कोई भी एक कलर पिक करके अपनी आईलेट के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, जो आपको शिमर कलर चाहिए बिकॉज ये ना बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। आई विल नॉट से दे आर वेरी चंकी ग्लिटरी हाईलाइटर, ठीक है, इतना वो नहीं है, बहुत ही सटल सी शिमर है इनके अंदर, बहुत चंकी पार्टिकल्स नहीं है, दैट इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज चंकी हाइलाइटर्स किसी को भी अच्छे नहीं लगते। सो आई विल हाईली रिकमेंड अगर आपको एक 2-in-1 वाला काम चाहिए ना, आपको ब्लशर हाईलाइटर अलग से बाय नहीं करना, यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस वन। नेक्स्ट अप आई गॉट इज एन आई लाइनर अगेन फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड आई मीन जस्ट टेक अ लुक एट दैट पैकेजिंग। लाइक पैकेजिंग ना बहुत ज्यादा क्यूट सी एंड बहुत डिफरेंट सी पैकेजिंग है। लाइक यूजली ना नॉर्मल टाइप के वो लाइनर्स आते हैं बट ना मुझे इसकी पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लैक लॉन्ग वेयर नॉन ट्रांसफर लिक्विड पेन आई लाइनर। यू जस्ट हैव टू ओपन it up. You just have to open it up like this and you can take a look at that precise tip. This is so good. मैंने ना अभी कल शायद हाँ कल मैंने एक फुल फेस यूजिंग स्विस ब्यूटी का एक मेकअप लुक अपलोड किया था जिसमें ना मैंने आई लाइनर पेन यूज किया था एंड ओ माई गुडनेस दिस इज सो गुड गाइज। मैं आपको ना इसका स्वॉच दिखाती हूँ। लाइक अगर आप चाहो ना आप इससे लिटरली पतले से पतला आई लाइनर अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इससे मोटा आई लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। एंड द बेस्ट थिंग जस्ट टेक अ लुक एट इट्स पिगमेंटेशन, दिस इज सो ब्लैक। लाइक ये ना आपको एक कम्प्लीटली जेट ब्लैक वाली फिनिश दे देता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली मैट मैट एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली ग्लॉसी, लाइक ये आपको एक ग्लॉसी सी एंड मैट मिक्स सी फिनिश दे देता है। आई डोंट नो इफ इट्स मेक सेंस बिकॉज जब आप इसको नाइट टाइम में अप्लाई करते हो ना थोड़ी ग्लॉसी फिनिश लगती है, डे टाइम में थोड़ी मैट मैट लगती है, तो मेरे को बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। एंड द बेस्ट थिंग दिस इज स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ, तो आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट इन ह्यूमिड कंडीशन बिकॉज अभी ऑलरेडी मॉनसून चल रहा है, तो इस तरीके के आईलाइनर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ऑल्सो गाइज Amazon पे चल रही है ब्यूटी सेल जिसका आज लास्ट डे है 26th of July, तो फटाफट जाओ अपने फेवरेट ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट्स आप पिक कर सकते हो जिनके ऊपर आपको बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिलने वाला है। Then I got a mascara which is this one. This is the Colourbar Zoom and Woosh mascara. ये मेरा खत्म हो गया था so I had to repurchase this one. ठीक है, इसमें मेरा शेड है 001 Black Sin and 9ml की आपको क्वान्टिटी मिल जाती है। एंड मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें अच्छा आपको दो वॉन्ड्स मिलती है, एक बड़ी वॉन्ड है एक छोटी वॉन्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक ही वॉन्ड होती है, सिर्फ उन्होंने कैप चेंज कर दिया है। आप ऊपर वाली को खोलते हो तो वो छोटा निकल के आता है एंड अगर आप नीचे वाली को खोलते हो वॉन्ड वही सेम टू सेम ही रहती है, इसमें कोई दो वॉन्ड्स नहीं मिलती है, सिर्फ वो ये ट्यूब है ना थोड़ी सी मोटी हो जाती है। बट आई लव दिस मस्कारा सो मच। आई नो ये थोड़ा सा प्राइसी साइड पे है बट द थिंग आई लव अबाउट दिस वन इसकी ये वाटर प्रूफ है, ये स्मच प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ मस्कारा आई नो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको डेली बेसिस पे नहीं यूज करना चाहिए बट कई बार ऐसा होता है ना आप किसी पार्टी में जा रहे होते हो स्पेशली इन सच ह्यूमिड कंडीशंस, तो ना आपको मस्कारा का बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आपका मस्कारा फॉल आउट हो जाता है या फिर गलती से अगर पानी की दो तीन बूंदे भी पड़ गई ना बारिश की तो लिटरली आपका मस्कारा ना बहने लग जाता है। इसलिए मुझे ये वाला मस्कारा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको फर्स्ट आप बहुत ही अच्छी वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छी लेंथ प्रोवाइड करता है, दिस इज वाटर प्रूफ दिस इज स्मच प्रूफ, सो आई लव यूजिंग इट ऑन दोज डेज जब मुझे कहीं बाहर जाना है या फिर चांसेस होता है बारिश होने के, देन आई लव दिस वन। नेक्स्ट अप आई गॉट इज दिस फाउंडेशन, दिस इज द स्विस ब्यूटी प्राइमर मूव फाउंडेशन। ये एक्चुअली
मैंने थोड़ा टाइम पहले लिया था, बट आई डोंट नो मैंने शेयर क्यों नहीं किया था, ठीक है। एंड कल की वीडियो में जब मैंने इसको यूज किया था, मुझे याद आया कि अच्छा हाँ मैंने ये भी बाय कर रखा है, ठीक है। दिस इज द प्राइमर मूव फाउंडेशन, वेटलेस स्मूथ एंड वेलवेट टच फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 03, दैट इज नेचुरल बेज। ये बहुत ही अच्छी सी आपको ट्यूब फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा इस तरीके का मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है। जस्ट टेक अ लुक एट दैट, यू डोंट इवन नीड लाइक अ ब्लेंडर और इवन अ मेकअप ब्लेंडिंग सॉरी फाउंडेशन ब्रश, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप इसको नॉर्मली अपनी हैंड्स की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, या आपके ना बिल्कुल भी बोलते हैं ना जो पैची नहीं करता आपके मेकअप को, दिस इज सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप, जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट स्टिल इफ यू फील कि आपके फेस पर थोड़ा पैची है, थोड़ा ड्राई ड्राई हो रहा है, तो अगर आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फर्स्ट अप, दिस इज वेरी वेरी लाइट वेट, इतना लाइट वेट फाउंडेशन है, लाइक लिटरली दिस इज द लाइटेस्ट लाइट वेट फाउंडेशन आई हैव एवर यूज, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग है, सो आई विल हाईली रिकमेंड आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको डेली बेसिस के लिए कुछ चाहिए, यू डोंट वॉन्ट टू लाइक यूज अ बीबी क्रीम और अ सीसी क्रीम ऑन अ डेली बेसिस, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। देन यहाँ पे मेरे पास दो लिपस्टिक, जिसमें से फर्स्ट लिपस्टिक है फ्रॉम स्विस ब्यूटी। दिस इज स्विस ब्यूटी नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक, वाटर प्रूफ लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है बेयर। Obviously, it's kind of a nude shade. ये इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपकी लिपस्टिक मिल जाती है। एंड लेट मी जस्ट शो यू इट्स वॉच, दिस इज सच अ क्रीमी मैट लिपस्टिक गाइज, ओ माई गुडनेस, लाइक लिटरली ये अप्लाई करती ना ग्लाइड होती है, एंड आपको ये चीज वीडियो में भी बहुत ही इजिली विजिबल हो रही होगी। तो शेड इज वेरी 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 प्रिटी, इट्स काइंड ऑफ अ पीची न्यूड शेड विच इज परफेक्ट फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन, आई विल से डार्क स्किन टोन को थोड़ा सा वॉश आउट कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी क्रीमी टू अप्लाई, लेकिन फिनिश आपको एकदम मैट देती है, एकदम वेलवेट मैट वाली फिनिश होती है ना, उस तरीके की है। अच्छा, आई विल नॉट से दिस लिपस्टिक इज स्मज प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ, बिकॉज ये बुलेट लिपस्टिक है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई भी बुलेट लिपस्टिक हो, वो थोड़ी बहुत स्मज और ट्रांसफर होती ही है बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, क्रीमी फॉर्मूला, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टे बहुत ज्यादा अच्छा है इसका, एंड अगेन द कलर इज वेरी वेरी प्रिटी। नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव हियर इज फ्रॉम शुगर, ये है शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 03 टैन फैन इन द क्वांटिटी 4.5 ml। अगेन दिस इज माई सेकेंड परचेज, ये मैंने पहले भी एक बार कर ली हुई थी एंड ये मेरी खत्म हो गई थी, सो दिस इज द सेकंड टाइम आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। एक्चुअली द थिंग इज, मेरी मॉम बहुत ज्यादा यूज करती हैं, ठीक है, एंड यू गाइज नो आई एम नॉट अ डार्क लिपस्टिक लवर, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, द कलर इज वेरी वेरी प्रिटी गाइज, इट्स नॉट एग्जैक्टली रेड, इट्स नॉट एग्जैक्टली पिंक, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड। दूर से आप देखोगे ना तो पिंकिश शेड लगेगा, पास से थोड़ा बहुत रेड रेड लगेगा। द रीजन आई लव दिस लिपस्टिक सो 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 मच कि ये स्मज प्रूफ भी है, ट्रांसफर प्रूफ भी है, और इसका स्टे बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। वन थिंग आई हैव फेल्ट इज कि ये लिपस्टिक ना थोड़ा बहुत लिप्स पे अनकंफर्टेबल होती है, थोड़ी सी हैवी फील होती है, ठीक है। अगर आप अच्छे से लिप बाम वगैरह, लिप को प्रेप करने के बाद 10-15 मिनट के बाद इसको अप्लाई कर रहे हो ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी आपके फेस पे टिकने वाली है लिप्स के ऊपर। एट द सेम टाइम एकदम मैट मैट वाली फिनिश दे देती है, और स्टे की तो मैं क्या बात करूं, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे के सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट इज इट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।